हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो किड्स, आई होप आप लोग की इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। आई होप कि आपने सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिए थे वो लर्न भी कर लिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है इंग्लिश बोलने में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी वोकेबलरी होती है, जो कि ज्यादातर वीक ही होती है क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो मान लो कि हम लोग सेंटेंस फ्रेमिंग भी अच्छे से कर लेते हैं, टेंसेस भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी वोकेबलरी वीक है, हमें यही नहीं पता कि किस चीज को बोलते क्या है, तो हम उसे इंग्लिश में सेंटेंस को फ्रेम कर कैसे सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं घर की ज्यादातर चीजों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है कि उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि आप सबको पता होगा कि दिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दिए की बाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे कि आप लोग को सबको पता होगा कि धूपबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसी ही बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो कि घर की हैं और जो कि हम हिंदी में उनके नेम्स जानते हैं और इंग्लिश में जनरली हम नहीं समझ पाते कि उन्हें इंग्लिश में क्या बोलना है, तो उसका सेंटेंस फिर भी कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसी ही बहुत यूजफुल चीजें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। हमारा पहला हाउसहोल्ड आइटम है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक। फिर है तराजू, जिसे कि शॉपकीपर्स कुछ वेट करने के लिए यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं बैलेंस। नेक्स्ट आइटम इज तकिया, जिसे कि हम बोलते हैं पिलो, और तकियों पर जो कवर चढ़ाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पिलो कवर। और जो कवर चढ़ाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पिलो कवर। नेक्स्ट आइटम इज चलनी। तो क्या आपको पता है कि चाय छानने की चलनी और आटा छानने की चलनी अलग अलग होती हैं? चाय छानने की चलनी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी स्ट्रेनर, टी स्ट्रेनर। और आटा छानने की चलनी उसे हम बोलते हैं सीव, SIEV, सीव। नेक्स्ट आइटम है क्लोथ्स हैंगर। क्लोथ्स हैंगर, जिस पर कि कपड़े सुखाए जाते हैं, उसे बोलते हैं क्लोथ्स हैंगर। नेक्स्ट आइटम इज कपड़े सुखाने की रस्सी या तार, जिस पर कि कपड़े सुखाए जाते हैं उसे पता है क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्लोथ्स लाइन, क्लोथ्स लाइन। नेक्स्ट आइटम इज बाल्टी। बाल्टी को इंग्लिश में बोलते हैं बकेट, बकेट। नेक्स्ट आइटम इज नल। नल को इंग्लिश में बोलते हैं टैप। फिर सुई धागा, सुई धागा को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड एंड नीडल, थ्रेड एंड नीडल। नेक्स्ट आइटम इज झूला, जो कि जिस पर कि जनरली बच्चे झूलते हैं घरों में, उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग, जो कि गार्डन्स में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, तो उसे बोलते हैं स्विंग। नेक्स्ट आइटम इज ढक्कन। किसी चीज़ का, किसी बर्तन का जो ढक्कन होता है उसे बोलते हैं लिड, LID, लिड, लिड। नेक्स्ट आइटम इज रस्सी। रस्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोप। नेक्स्ट वन इज बोरा, जैसे चावल आते हैं जिसमें या चीनी आती है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसे बोलते हैं सेक, SAC, सेक। नेक्स्ट आइटम इज क्लोथ सुखाने की चिमटी। कपड़े सुखाने की चिमटी होती है, जो क्लिप्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्लोथ्स पैग्स, क्लोथ्स पैग्स। नेक्स्ट आइटम इज झाड़ू। झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रूम, झाड़ू, ब्रूम। नेक्स्ट आइटम इज ओखली। क्या आपको पता है ओखली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटर, MORTAR, मीन्स जो पॉट जैसा होता है जिसमें कि हम कोई किसी चीज़ को पीसना होता है तब उसे रखते हैं, उसे बोलते हैं मोटर। और जो हम पीसने के लिए जो स्टिक जैसी होती है वो यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं हिंदी में मूसल, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं पैसल, PESTLE, लेकिन इसमें टी साइलेंट रहता है और इसे बोलते हैं पैसल। मोमबत्ती, कैंडल, मोमबत्ती, कैंडल। दीपक या दिया, लैम्प बोलते हैं उसको, और जो दीपक की बाती होती है उसे क्या बोलते हैं? विक, WICK, विक, बाती, विक। माचिस, मैच बॉक्स, और माचिस की तीली को बोलते हैं
मैच स्टिक्स, माचिस की तीली मैच स्टिक्स, खिड़की विंडो, खिड़की विंडो और खिड़की में लगा हुआ शीशा उसे बोलते हैं विंडो पेन, खिड़की में लगा हुआ शीशा विंडो पेन। चकला जिस पर हम रोटी या पूड़ी बेलते हैं उसे हम बोलते हैं रोलिंग बोर्ड, चकला रोलिंग बोर्ड और बेलन इज कॉल्ड रोलिंग पिन, बेलन रोलिंग पिन। बच्चे का जो पालना होता है जिसमें कि न्यूबॉर्न बेबीज को झुलाते हैं या सुलाते हैं उसे बोलते हैं क्रेडल, CRADLE क्रेडल। छोटे बच्चे या थोड़े बड़े भी होते हैं तो वो लंगड़ी खेलते हैं, एक पांव जमीन पर रखकर एक उसे उठाकर लंगड़ी टांग लंगड़ी खेलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच। और एक और गेम होता है जो कि आप लोग क्रॉस एंड नॉट्स के नाम से जानते होंगे, जिसमें कि एक प्लेयर क्रॉसेस बनाता है और एक प्लेयर जीरोस बनाता है, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस एंड नॉट्स, क्रॉस एंड नॉट्स। चादर बेडशीट, चादर बेडशीट, कंबल ब्लैंकेट, कंबल ब्लैंकेट, रजाई क्विल्ट, QUILT क्विल्ट, गद्दा जो बेड पर बिछाते हैं मैट्रेस, गद्दा मैट्रेस, चश्मा जो विज़न का या आईसाइट का चश्मा होता है उसे हम बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, और बोलचाल की भाषा में उसे शॉर्ट में स्पेक्स बोला जाता है, SPECS स्पेक्स। धूप का चश्मा, धूप के चश्मे को सनग्लासेस या गॉगल्स बोला जाता है इंग्लिश में। फिर गुड़, गुड़ को इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं। चिमटा टोंग्स, चिमटा टोंग्स, छीलने वाला चाकू, काटने वाला चाकू तो सबको पता है कि उसे क्या बोला जाता है, नाइफ बोलते हैं, लेकिन छीलने वाला चाकू बहुत कम लोगों को पता होता है कि उसे पीलर बोला जाता है। कद्दूकस जिससे हम चीज़ों को ग्रेट करते हैं पनीर या बाकी चीज़ों को, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेटर, GRATER ग्रेटर। फिर होता है मसंद, जैसे पिलो को, पिलो तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं तो उन्हें पिलो बोलते हैं, लेकिन जो गोल गोल तकिए होते हैं जो कि जनरली दीवार सेट पर होते हैं उन्हें बोला जाता है मसंद, और इंग्लिश में उन्हें बोलते हैं बॉल्स्टर, BOLSTER बॉल्स्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट यूजफुल प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं। इसके अलावा अगर आप और कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज हों तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल ट्राई टू सॉर्ट देम ऑल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।